नवरात्र का पवित्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु तन मन धन से मां दुर्गा की आराधना में जुट गए हैं। जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र गुफा की तर्ज पर मुंबई के मालाड में स्थापित वैष्णो देवी दिव्य धाम मंदिर श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की आंतरिक संरचना हूबहू जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की तरह है। 40 फीट के गुफा में मंदिर को मालाड में 22 साल पहले बनाया गया। साथ ही वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र गुफा से लाई गई अखंड ज्योत पिछले 22 वर्षों से लगातार यहां जल रही है। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी गिरीश शाह ने हमें बताया कि नवरात्रि में अष्टमी के दिन ज्यादा भीड़ रहती है, हर रोज रेगुलर लग रहता है। ये अष्टमी के दिन माता जी का बड़ा हवन होता है और माता जी के नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और भजन संध्या होती है और अष्टमी के दिन माता जी ने नरकासुर का वध किया था और उसके लिए उसका महिमा ज्यादा है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते भक्तों की संख्या कम हुई थी, लेकिन ये साल पूरी तरह से सभी धर्म स्थल को पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिसके चलते अष्टमी के दिन भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आइए जानते हैं जब भक्तों से हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा। मैं हर नवरात्रा में आती हूँ, बड़े नवरात्रा में छोटे नवरात्रा में दर्शन के लिए आती हूँ, माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा साल अच्छा जाए, घर में सुख शांति आवे। पहले सबसे पहले मैं उनके नमन में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूंगा कि माता को सबको हर दुनिया में जितनी भी भक्तजन है सबके दुख और संपत्ति में उनका साथ दें और सबका बेड़ा पार करें। वही मंदिर के पुजारी जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह से ही भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सवेरे 8 बजे से दर्शन चालू हुआ है और ये नॉन स्टॉप चालू है। रात को ये जो है 10:30 बजे पौने 11 बजे तक चालू रहेगा। हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि में विशेष रूप से गर्दी रहता है। मालाड स्थित वैष्णो देवी मंदिर में आने के पश्चात भक्तों को बेहद शांति का अनुभव होता है। मां के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए नवरात्र में मंदिर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। मेट्रो मुंबई के लिए गीता यादव और नवनीत दुबे की रिपोर्ट।